जय माता दी। मित्रों, आज महाविद्या जनित ज्योतिष के इस एस्ट्रो टॉक सीरीज में मैं आपको लग्न कुंडली के 12 भाव में हम 12 भाव से हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं, क्या क्या चीज़ें उनसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रिडिक्शन किया जाता है, किस चीज़ का कौन सा भाव है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि जब किसी का भी जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है, तो उस समय में जितने भी ब्रह्मांड में जो 27 नक्षत्र हैं या 12 राशियां हैं, उनको हॉरिजेंटल पे वो कौन सी राशि आती है, तो हॉरिजेंटल पर जो राशि आती है उसको लग्न बोला जाता है। और उस लग्न को निर्धारित करके और जितने भी ग्रह जिस राशि में होते हैं उनको उसके अंदर उन खानों में चले जाते हैं। इससे जो 12 जो भाव है उनके अंदर नवग्रह स्थापित हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है लग्न कुंडली। अब लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव का अलग अलग विचार किया जाता है, उन्हीं विचारों को आज मैं बताने आपके पास आया हुआ हूँ। अब 12 भाव में जो पहला है जिसको लग्न बोला जाता है, लग्न में अगर नंबर 1 आता है, 1 से लेकर 12 नंबर तक आ सकता है, तो इसमें नंबर 1 से लेकर 12 तक अगर आता है तो इसको जो रिस्पेक्टिवली क्रमशः आप कह सकते हैं कि 1 नंबर है तो मेष लग्न हुआ, 2 नंबर है तो वृष, इस तरीके से मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां जो होती हैं ये लग्न के रूप में आती हैं। जब लग्न में जो नंबर होता है उसको हम लग्न बोलते हैं। अब ये बात आती है कि लग्न में से लेकर के 12 भाव तक हम किन किन चीज़ों को विचारें। तो पहला भाव होता है लग्न, तो जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रेन होता है ना हमारे शरीर में, सुप्रीम कमांडर होता है, बोल सकते हैं कि सारा नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सारा जिस तरीके से ब्रेन करता है, उसी तरीके से पूरी कुंडली का जो नियंत्रण करता कंट्रोलर लग्न होता है। तो लग्न अगर मजबूत है तो वो ज़्यादा जो भी जिसकी वो कुंडली है उसको बहुत ज़्यादा फायदा देता है। अगर लग्न में वीकनेस है तो उससे उसको प्रॉब्लम आती है। लग्न से क्या क्या चीज़ें निर्धारित की जाती हैं, लग्न से पहला तो सेल्फ, अपने आप के बारे में जानने को लग्न बोलते हैं। स्वास्थ्य हो गया, उसकी आरोग्यता हो गया, उसका जो आयु है वो भी लग्न से निर्धारित की जाती है। लग्न के दाएं और बाएं, लग्न के दाएं और बाएं द्वादश भाव होता है और सेकंड भाव होता है। द्वादश और सेकंड से हम आँखों का भी विचार करते हैं। तो लग्न के अगर 12th हाउस में या 2nd हाउस में अगर बैडली अफेक्टेड है तो उससे आँखों की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लग्न कुंडली में लग्न देख करके आँखों की स्थिति बतला सकते हैं। उसके बाद आता है 2nd हाउस। 2nd हाउस जो होता है वो संचित धन का हाउस होता है, उसके बाद परिवार का हाउस होता है, वाणी का भी होता है, जो भी हम बोलते हैं हमारे बोलने में क्या अस्पष्टता है वो 2nd हाउस पर निर्धारित है। 2nd हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ये तो बहुत आगे की बातें होती हैं कि उसी से प्रेडिक्शन किया जाता है, लेकिन 2nd हाउस में मेन जो होता है कहा जाता है वो बैंक बैलेंस है आपका। 2nd हाउस क्या है? बैंक बैलेंस। अगर 2nd हाउस अगर अच्छी तरीके से मजबूत है तो आपके पास काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस रहेगा। 2nd हाउस अगर आपका मजबूत है तो आप पारिवारिक दृष्टि से साउंड रहेंगे। 2nd हाउस अगर आपका मजबूत है तो आपकी जो वाणी है, जो आपका बोलने का जो स्टाइल वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम 3rd हाउस की तरफ। 3rd हाउस जो होता है वो होता है साहस का, पराक्रम का और सहोदर का। सहोदर का मतलब सगे भाई या बहन। तो 3rd हाउस अगर आपका मजबूत है तो उससे इन तीन चीज़ों को हम देख सकते हैं। कान का भी होता है और शरीर के और भी काफ़ी अंग जो होते हैं वो भी इन्हीं हाउसेस से कनेक्टेड रहते हैं। तो 3rd हाउस का मेन जो है वो अगर आपको सहोदर के बारे में जानना हो तो 3rd हाउस को देखिए, आप उसके पराक्रम को जानना हो तो 3rd हाउस को देखिए। और हालांकि 3रा भाव थोड़ा सा अरिष्ट प्रदायक भी होता है, 3, 6, 8, 12 में आ जाता है 3रा भाव। और 3रे भाव का जो कारक है वो मंगल है। मंगल जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा आदमी उतना ही ज़्यादा पराक्रमी रहेगा। अब हम आते हैं 4th हाउस पे। 4th हाउस जो होता है वो जमीन है, जहाँ पे आप रहते हैं वो जमीन हुआ आपका। उसके बाद माता का भी स्थान होता है, उसके बाद सुख का भी स्थान है। यानी कि 4th हाउस अगर आपका मजबूत है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख साधन के साधन जो है आपको उपलब्ध होंगे। उसके बाद माता आपकी स्वस्थ रह सकती हैं
और जमीन से जुड़े हुए रहेंगे आप। और अगर फोर्थ हाउस अफेक्टेड है, अफेक्टेड कैसे होता है कोई ग्रह या कोई हाउस, अगर उस पर किसी जो क्रूर ग्रह है उनकी दृष्टि पड़ती है तो वो अफेक्टेड हो जाता है। तो फोर्थ हाउस के अफेक्टेड होने से ट्रांसफर ज़्यादा होता है या फिर जन्मभूमि से अधिक दूरी पर रहने का मौका मिलता है। अगर फोर्थ हाउस ज़्यादा अफेक्टेड है तो या तो आप अपने जन्मभूमि से ज़्यादा दूरी पर जाएंगे, और नहीं दूसरा है उसका ट्रांसफर ज़्यादा होता है, क्योंकि जन्मभूमि फोर्थ हाउस हुआ जन्मभूमि, अगर वह बैडली अफेक्टेड है तो आपके ट्रांसफर ज़्यादातर होते रहेंगे। तो ये भी देखा गया कि अब कोई किसी किसी का ऐसा होता है कि जो जॉब होती है एक ही जगह पर रह जाते हैं, किसी किसी का ज़्यादातर ट्रांसफर होता है, या फिर अगर किसी का ट्रांसफर होने वाला है या नहीं है ये देखना हो तो फोर्थ हाउस की पोजीशन से फोर्थ हाउस का जो दृष्टि संबंध है ये सब देख करके बतलाया जा सकता है। अब हम मैं जरा शॉर्ट में ही बात कर रहा हूँ तो फिफ्थ हाउस की बात करें। फिफ्थ हाउस जो होता है वो संतान का होता है, बुद्धि का होता है और विद्या का होता है। आप कितनी पढ़ाई करेंगे, आपकी बुद्धि कितनी तेज है, और संतान का निर्धारण फिफ्थ हाउस से किया जाता है। फिफ्थ हाउस में अगर पुरुष ग्रहों की दृष्टि या युति बनती है तो पुत्र, और अगर स्त्री ग्रहों की दृष्टि या युति बनती है तो पुत्र योग बनता है। ये भी बहुत अंदर डिटेल जाने वाली बात है, इतने से तो नहीं होता, ये केवल इससे ही बस ये पता चल पाएगा कि इस भाव से हम ये जानते हैं, क्योंकि ज्योतिष में मैंने पहले भी बतलाया कि हम किसी एक एंगल से देख ही नहीं सकते। ज्योतिष को देखने के लिए मतलब सैकड़ों एंगल से जब मिलाया जाता है तब जाके प्रिडिक्शन हो पाती है, यानी हर तरह से देखना पड़ता है। लेकिन ये ओवरऑल ये मतलब फिफ्थ हाउस से हम ये देख सकते हैं कि उससे संतान के बारे में अगर पता करना हो तो हमें फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस पे अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो परेशानी आ सकती है, और भी कुछ जो भी है तो, लेकिन फिफ्थ हाउस अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से बुद्धि तेज होगी, विद्या में फ़ायदा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियाँ लेगा। फिफ्थ हाउस मजबूत है तो हो सकता है वो पुस्तक लेखन में बहुत आगे बढ़ सकता है। फिफ्थ हाउस जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड लाभ दिलाने वाला भी होता है। कुछ योग ऐसे होते हैं फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जिसमें अप्रत्याशित धन लाभ भी होता है, तो ये देखने वाली हो तो जब कभी अप्रत्याशित धन लाभ के बारे में जब बात की जाएगी तो बतलाएंगे कि फिफ्थ हाउस में क्या कंडीशन होगी जिससे कि अप्रत्याशित धन लाभ होगा। अब होता है कि सिक्स्थ हाउस होता है शत्रु कर्जा और बीमारी। इसके साथ साथ जो कोर्ट केसेस होते हैं या न्यायालय का जो काम होता है वो भी, अगर सिक्स्थ हाउस आपका मजबूत है तो कोई शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, न्यायालय में हमेशा जीत होगी, नौकरी में आपकी अच्छी पकड़ रहेगी, और बीमार तो बिल्कुल नहीं होंगे। सेवेंथ हाउस जो होता है वो बिजनेस का होता है और दाम्पत्य का होता है। अगर सेवेंथ हाउस मजबूत है आप बिजनेस में जाएंगे, और अगर मजबूत है तो दाम्पत्य जीवन काफ़ी मधुरतापूर्वक रहेगा। अगर सेवेंथ हाउस अगर प्रॉब्लम में है, कैसे प्रॉब्लम में होगा, किसी बकरी ग्रह की दृष्टि होगी या क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी या सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कहीं पर जाके बैडली अफेक्टेड हो जाएगा तो विवाह में विघ्न होगा, दाम्पत्य बाधा आएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, या तलाक योग रहेगा तो फिर संबंध विच्छेद भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कुंडली में देख करके पता लग जाता है कि कंडीशन कितनी है, और कुछ उपाय करने से मामले सुधर भी जाते हैं अधिकांशतया। कितने सारे ये जो दाम्पत्य का मामला है, कितना जगह पे कुछ उपाय करने से सुधार होते हैं। बस हमें ये जानना है कि किस भाव से क्या होता है, और अगर उसका कुछ अगर नेगेटिव इफेक्ट लाइफ में आ रहा है, अगर उसका उपाय कर लिया जाए तो उसका जो फ़ायदा हो गया तो उस फायदे को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। अष्टम भाव यानी कि एट हाउस होता है मृत्यु का, उसको बोला जाता है कि या आयु का भी बोल सकते हैं, शनि और राहु इसके कारक ग्रह हैं, शनि मृत्यु के मालिक हैं। अष्टम भाव एक चीज़ का और होता है, वो होता है विदेश यात्रा का, समुद्री यात्रा का, यानी कि अष्टम भाव अगर पाप प्रभावित होगा तो विदेश यात्रा के विशेष योग बनते हैं। कुंडली में देख कर बतलाया जा सकता है कि ये इंडिया में रहेगा या इंडिया से बाहर रहेगा, विदेश यात्राएँ होंगी या नहीं होंगी, घूमने के लिए जाएंगे या प्रवासी हो जाएंगे, कुछ दिनों के लिए जाएंगे या परमानेंट सेटल हो जाएंगे, सारी बातें एट हाउस से हम पता कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि गुप्त धन का भी एट हाउस निर्धारण करता है, कि अगर किसी को गुप्त धन का मतलब आज के डेट में हो गया अनएक्सपेक्टेड धन, अचानक का कोई आया हुआ धन, अचानक कैसे आएगा धन, आजकल अचानक आने के भी बहुत सारे धन हो गए हैं, कोई खेल में जैसे कि अचानक करोड़ों कमा लेते हैं वो भी अचानक धन हुआ, किसी की लॉटरी निकल सकती है या फिर
किसी को बहुत बड़ा शेयर बाजार में अचानक बहुत बड़ा फायदा हो जाए, ये सारा चीज अनएक्सपेक्टेड वाला है। तो अनएक्सपेक्टेड का जो धन का जो निर्धारण किया जाता है वो 8th हाउस से भी किया जाता है। 9th हाउस आ गया, 9th हाउस हो गया वो पिता का हो गया, उसके बाद भाग्य का हो गया, आप सात्विक हैं या नहीं हैं, आप आस्तिक हैं या नहीं है, सब चीज़ 9th हाउस से पता चल जाती है। और सबसे बड़ा है 9th हाउस जो होता है वो आपके भाग्य का निर्धारण करता है, आप विशेष रूप से लकी हैं या नहीं है, ये भी 9th हाउस के हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड से पता चलता है। तो 9th हाउस में पिता का या फिर आस्तिकता का, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आपका लक निर्धारित करता है 9th हाउस। अब आ जाती है 10th हाउस की। 10th हाउस जो होता है वो दशम है, 10th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो आपका रिजल्ट का मालिक होता है, पढ़ाई का रिजल्ट हो, नौकरी का रिजल्ट हो, किसी भी प्रकार का रिजल्ट हो, नौकरी का या फिर नौकरी आप करते हैं उसमें आपकी क्या पोजीशन होती है, सब कुछ 10th हाउस निर्धारित करता है। अब आती है 11th हाउस। 11th हाउस जो होता है आपके बड़े भाई या बहन को निर्धारित करता है, और उसके बाद इनकमिंग जो धन है, इनकमिंग धन का मतलब है कि आने वाला धन, संचित धन तो 2nd हाउस है, लेकिन जो पैसा आपके पास आता है वो 11th हाउस कितना मजबूत है उस पर डिपेंड करता है। अगर 11th हाउस अगर सात्विक ग्रहों से प्रभावित है तो आप अच्छी तरीके से या नैतिक तरीके से धन कमाएंगे, अगर 11th हाउस पापी ग्रहों से प्रभावित है तो आप अनैतिक तरीके से धन कमाएंगे। तो ये 11th हाउस का मेन चीज़ यही होता है, और भी बहुत सारे, यानी कि ये जितने मैंने बतलाए हैं ये केवल मेन चीज़ें हैं 11th, क्योंकि हर एक हाउस से कम 50 प्रकार की चीज़ें निकाली जा सकती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं वो इतनी ही हैं। अब आता है 12th हाउस। 12th हाउस जो होता है वो व्यय होता है, मोक्ष का होता है, यानी कि जो चीज़ आप खर्च करते हैं वो 12th हाउस मानी जाती है। 12th हाउस में अच्छा माना जाता है, अगर 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में चला जाता है तो उसको अच्छा माना जाता है। क्यों? 5th हाउस होता है विद्या, विद्या का जितना ज़्यादा व्यय होगा, विद्या जितना ज़्यादा खर्च की जाएगी उतना अच्छा होगा। तो इसीलिए माना जाता है कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में चला जाए, और किसी का लॉर्ड अगर 12th में चला जाएगा तो उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में जाएगा तो वो अच्छा माना जाता है। एक और चीज़ है कि 6th, 8th और 12th के हाउस के लॉर्ड, 6th, 8th और 12th हाउस के जो लॉर्ड अगर 6th, 8th और 12th में ही रहेंगे तो वो विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। उससे क्या होता है, शुरुआत में भले ही संघर्ष हो जाए लेकिन बाद में वो काफ़ी फायदा देते हैं। और 12th हाउस जो होता है वो मोक्ष का भी होता है, तो मोक्ष के तो अपनी दूसरी बात है। और 12th हाउस पर अगर विदेश यात्रा का भी योग बनता है 12th हाउस से, यानी कि 8th और 12th दोनों विदेश यात्रा का योग बनाते हैं, 12th हाउस जितना ज़्यादा प्रभावित रहेगा उतना ही ज़्यादा विदेश में सेटल होने के योग होते हैं। अब ये बात आती है कि इतना सारा मैंने आपको बताया 1st हाउस से लेकर के 12th हाउस, 1st हाउस से लेकर के 12th हाउस में जो कुछ ये जो मैंने बताया है ये आपके कुंडली में निकल सकते हैं। इन कुंडलियों से आप अपने बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही सकते हैं, थोड़ा बहुत आप जान सकते हैं कि किस हाउस से ले हम क्या ले। अब नेक्स्ट वीडियो में, हालांकि मैं लंबे वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं, कि बनाने लगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी योग होते हैं, जो भी मैंने आपको योग बताया, जैसे धन प्राप्ति योग, संतान प्राप्ति योग, नौकरी प्राप्ति योग, कौन सी फील्ड में आप जाएंगे, ये सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। नमस्कार।